नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है। इस जो ये वेदर चल रहा है ना, ये समर इतनी ज़्यादा, इसको देखते हुए ना आज का मेरा एक सिंपल सा टॉपिक है, पानी। पानी पानी की इस टाइम इम्पोर्टेंस जो होती है ना, वो शायद पूरे सीज़न में होती। पानी के बिना तो हम पूरे साल कभी भी नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते। पर इस टाइम जो पानी की अहमियत होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। पूरे दिन हर चीज़ में पानी, कैसे हर चीज़ हम पानी का इंटेक बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ हम बता रहे हैं पानी पिलाओ, सबको पानी पिलाओ कह रहे हैं ना ये बात। पर हम वो चीज़ कैसे करें, हम वो चीज़ कैसे करें कि जिससे सबका पानी का इंटेक भी बढ़ जाए। सबसे पहली बात तो, कितने टाइम से आप देख रहे होंगे, 4-5 साल से ना हर जगह पर ये बता रहे हैं कि चिड़ियों के लिए पानी रखिए। यही सारे कहते हैं, चिड़ियों के लिए पानी रखिए, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठी ना, सबसे ज़्यादा ना आप चिड़ियों के लिए जो पानी रखते हैं ना, वो मिट्टी के बर्तन में रखिए, जिससे वो पानी ना वो ठंडा रहे। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं इस टाइम कितनी गर्मी है, तो चिड़ियों के लिए जो पानी रख कर आते हैं ना, उसे मिट्टी के बर्तन में रखिए। और हो सके तो शाम को दोबारा बदल दीजिए या दोबारा डाल आइए, अगर आपके पास टाइम है। वैसे तो इतना सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। चिड़ियों के लिए पानी तो आप टेरेस पे रख कर आते हैं, जो नीचे जानवर घूम रहे हैं, एनिमल्स, जो कौन से खासकर जो कुत्ते डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो घूम रहे हैं, उन्हें भी तो प्यास है। उन्हें ना ठंडा ठंडा पानी आप डाल के देख कर आइए, कितने मज़े से पीते हैं वो ठंडा पानी। टाइम मिले तो पाइप लगा लीजिए घर के बाहर और उन सबको नहला दीजिए, देखिए कितने खुश होंगे। तो ये तो हो गया पानी से हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे हम इन सब की सेवा करें और अच्छा पुण्य कमाए। पुण्य कह लो या एक अच्छा काम कह लो, कैसे भी कह लो, पुण्य तो आपको हर काम में मिल जाएगा अगर आप कुछ अच्छा करेंगे। तो ये तो हो गया आप एनिमल्स के लिए कैसे करें। तो ये तो देखो आप खुद कर रहे हो ना, और घर में भी सबको पता है, जैसे कोई एक आधा मेम्बर कर रहा है। अब खुद का पानी का इंटेक कैसे बढ़ाएं, खुद का पानी का इंटेक कैसे बढ़ाएं, ये ना सबसे डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है इस टाइम में। हम चलते हैं फिरते, थोड़ा सा पानी पियेंगे रख देंगे, थोड़ा सा कभी हम नहीं पिएंगे, काम में लग गए या रह गया पानी। डिहाइड्रेशन, इस टाइम डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है और वो मेन रीज़न यही है पानी का इंटेक कम हो जाता है। आप काम में लग गए या ऑफिस के लिए बाहर निकले हैं, बच्चे गए हैं, बच्चों का पानी। तो एक सिंपल सा फंडा जो मेरे घर में चलता है आज, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे घर में ना एक सिंपल सा फंडा मैंने पानी का बना रखा कि जो पानी पिएगा पहले सबसे पूछेगा, जो पानी पिएगा वो पहले सबसे पूछेगा। जैसे कि मुझे प्यास लगी है ना, तो मेरा क्या काम है, पहले घर में जैसे कोई जो भी बैठा है, दादी, बच्चे जो भी बैठे हैं, हस्बैंड, दादू, जो भी है घर में, सबसे पूछो आपने पानी पीना है। अगर पूछना है तो पूछ लो, वरना एक और फंडा है, पहले उन्हें जाके पानी दे आओ और फिर आप खुद पी लो। इससे क्या हुआ, उन्होंने भी पानी पी लिया, आपने भी पानी पी लिया। यही हुआ ना, उन्होंने भी पानी पी लिया, आपने भी पानी पी लिया। अब रही बात, अब उसके बाद क्या हुआ, बेटी को प्यास लगी, उसने भी वही करना है सेम जैसे मैंने करा था। पहले वो सबको पानी पिलाएगी फिर वो खुद पिएगी, या पहले वो खुद पी ले सबको पिला दे, चाहे ऐसे कर लो। मतलब जिस टाइम घर का कोई भी मेम्बर पानी पिएगा, वो सबको पिलाएगा। इससे ना पानी का इंटेक सबसे अच्छा होता है, जो खुद पानी पिएगा वो सबको पिलाएगा। तो ये तो हो गया घर में। घर में हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पानी पिएगा वो सबको पिलाएगा। मेरे घर में तो मैं पिछले 2-3 साल से यही एक मेरा रूटीन है, यही एक नियम है, एक रूल है, खासकर गर्मियों में ना मेरे घर यही रूल चलता है, जो पानी पिएगा सबको पिलाएगा। तो इससे इनटेक बढ़ जाता है, और जो पानी पिएगा वो पानी की बॉटल भी भर के रखेगा, क्योंकि ये हो जाएगा सबको पानी पिला दिया बॉटल पे नहीं, और अगर मैं किसी काम में लगी हूँ तो पानी कौन फिल करेगा। तो जो पानी पी रहा है, पिला रहा है, वही बॉटल को भर के रख देगा। तो इससे एक घर का टास्क भी हो गया, हमारी बॉडी भी हाइड्रेट होगी और सबने पानी भी पी लिया, तो ये बेनिफिट है। और घर से बाहर निकले तो आप ये काम घर से बाहर निकल के भी कर सकती हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि जब आप घर से निकलते तो आप अपने लिए पानी की बॉटल लेके जाते हैं ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, बच्चों को घर से भेजते हैं स्कूल के लिए, आप उन्हें पानी की बॉटल देते हैं ना। तो ऐसे ही जो बैग पर्स आप लेके जा रहे हैं,
उसमें एक अपने लिए पानी की बोतल डाली और दो पेट बोतल, कम से कम आप दो पेट बोतल पानी की उसमें रख लीजिए। जब आप पानी निकाल के पी रहे हैं ना, तो वो पानी भी जो दो पेट बोतल आपने रखी है वो किसी को दे दीजिए पीने के लिए। अगर आप कुछ घर से बना के लेके जा सकते हैं तो आप वो कर लीजिए, जैसे कभी शिकंजी बना के ले जाए, नींबू पानी ले जाए, किसी को भी, एक रिक्शे वाले, दो रिक्शे वाले को भी बुलाओ तो उनकी प्यास बुझेगी ना। नींबू पानी ले जाओगे, बताओ उनको इतनी गर्मी में अगर नींबू पानी मिल जाए तो वो कितने खुश होंगे। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, पर अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो सिंपल पेट बॉटल्स जो आती हैं वो रख लीजिए, या घर से कुछ बना के जो खाली बॉटल्स आती हैं बहुत सस्ती मिल जाती हैं मार्केट से। वरना जैसे आपके घर में कभी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आ रही है, उसे वॉश करके रख लीजिए, उसमें भर के किसी को दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, सामने वाले का भी पानी का इंटेक बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें ना आप दो तीन कर सकते हैं। घर में तो आपने बता दिया, मैंने बता दिया आपको घर में मैं कैसे करती हूँ, तो घर से बाहर मैं ऐसे करती हूँ कि जब पानी कहीं मार्केट जा रहे हैं, अपने लिए तो पानी रखा, साथ में दो बॉटल्स एक्स्ट्रा रख ली, दो बॉटल्स एक्स्ट्रा रख ली, जब घर से निकल रहे हैं जिस रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं उस रिक्शे वाले को दे दीजिए। ऐसे मतलब आप किसी को भी दे सकते हैं दो बॉटल, अगर इसे ज़्यादा कैरी कर सकते तो दो ज़्यादा कैरी कर लीजिए। कार में जा रहे हैं तो आप पानी का क्रेट भी खरीद के रख के लेके जा सकते हैं। तो आप पानी तो हर टाइम इस टाइम तो रोज़ का आप एक रूटीन बना लीजिए कि पानी पिलाना ही पिलाना है, और कुछ खिलाओ ना खिलाओ पानी तो पिलाना ही पिलाना है, पानी तो पिलाना ही पिलाना है, चाहे कैसे भी पिलाओ, नींबू पानी, शिकंजी, रू अफज़ा, और आप दूध भी बना के पिला सकते हैं, पर किसी भी फॉर्म में, मतलब लिक्विड का जो इंटेक है ना वो आप सबको ऐसे पिला सकते हैं। अगर ये काम सारे करने लग जाए ना तो किसी को भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, या किसी कोई भी प्यासा नहीं रहेगा, ठंडा पानी सबको मिल जाएगा इस टाइम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर सारे करने लग जाए ना तो लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, सोसाइटी में बहुत चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा। आप हम लंगर करते हैं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं सारे करती, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप करके देखिए, आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, अगर उनके साथ भी दो बॉटल्स रख के भेज दोगे ना, जिस रिक्शे पे वो वापस आ रहे हैं या जिस वैन में वो आ रहे हैं उसे भैया को ही पिला दे, वो भी खुश हो जाएंगे ना, ठंडा ठंडा पानी मिल गया। आपके घर में वेट्स आ रही हैं, आप सुबह ही उनके लिए, जब आप उठ रहे हैं उनके लिए नींबू पानी बना के रख दीजिए, लस्सी बना के रख दीजिए, आप खुद भी तो पी रहे हैं ना, कोई नींबू पानी का एक गिलास अगर आप उन्हें भी पिला देंगे तो उन्हें भी तो थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। वो पूरे दिन काम कर रहे हैं, सबके घरों में काम कर आ रहे हैं, तो कितनी दिक्कत हो रही होगी उन्हें भी। पानी पी लेते हैं हमारे घर आके, हम पूछ भी लेते हैं, पर अगर रूटीन से रखें कि दीदी आज मैंने आपके लिए नींबू पानी बना के रखा है, जाके कितने वक्त पी के जाना, या आप आए हो तो पहले बैठ के नींबू पानी पी लो, कभी शिकंजी बना दी, कभी आम पन्ना बना के रख लिया, एक दिन की मेहनत है आम पन्ना बनाने में, उसके बाद तो आप इजीली हफ्ता सबको सर्व कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बना के रख लीजिए, घर में कोई आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, प्लम्बर आ रहा है, कोई भी आपके घर में जो भी वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, आप उन्हें पिला दीजिए। तो ये काम ना छोड़ो मत, और आप नहीं हो घर में, बच्चे भी हैं तो उनको भी हैबिट डालो कि जो घर में आएगा उसे पानी देना ही देना है, या फ्रिज में बता दो मैंने ये चीज़ बना के रखी है, जब कोई आए उसे एक गिलास पिलाना ही पिलाना है। तो ये एक छोटी छोटी हैबिट्स ना, अगर हम इस टाइम में जिस हिसाब से आप गर्मी देख रहे हैं, कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा, समर वेकेशंस होगी तो बच्चों को ये चीज़ें सिखा दीजिए, अभी सीख जाएंगे तो आगे तक ये चलता रहेगा। लोग वीडियोस बनाते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर, वीडियोस बनाते हैं कि आगे शेयर करिए, ये मैसेज दीजिए, तो मेरा ये, मैं आपको इसी वीडियो से ये मैसेज दे रही हूँ कि पानी का इंटेक आप ऐसे बढ़ा सकती हैं, और अपना नहीं सबका बढ़ा सकते, अपना नहीं आप सबका बढ़ाएंगे, और एक आपके घर में और सोसाइटी में एक हैबिट सबको आएगी पानी पिलाने की। इजी वे है ये, इसमें कोई टास्क नहीं है, ये एक हैबिट बना लीजिए अपनी, एक हैबिचुअल नेचर होना चाहिए ये इंसान में कि पानी खुद कैसे पिए और दूसरों को भी पिलाएं। हम प्याऊ लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, ये चीज़ें होती है, पर यार रोज़ का अगर आप इतना सा तो कर ही सकते हैं, इतनी सी बात तो देखो सब कर सकते हैं, बच्चे से बड़ा सब कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ज़रूर करिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक था ना वो सिंपल सा यही था, पानी।
पानी का इंटेक कैसे बढ़ाएं, डिहाइड्रेशन से बचें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, और मेथड आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। तो देखते हैं कौन कौन ये स्टार्ट करता है। मैंने जिन जिन अपने फ्रेंड्स को बताया है ना कि मेरे घर में ये रूल्स हैं, तो वो कहते हैं मैम ये बहुत अच्छा, दीदी आपने ये बहुत अच्छा रूल रखा हुआ अपने घर में, और उन्होंने अपने घर में जब से वो कर रहे हैं ना तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं एक्सपीरियंस जब करा है ना, मैंने बहुत जनों से शेयर करा है, और जब उन्होंने मुझे खुद से बताया कि ये हमने करा और हमें बहुत अच्छा लगा, भाभी दीदी हमने ये करा हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चे भी अब ऐसे ही करते हैं, तो फिर मैंने सोचा ये चीज़ सिर्फ मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही क्यों बताऊँ, ये चीज़ मैं आप सब से शेयर कर सकती हूँ, ये ज़्यादा जनों तक ये बात पहुँचे। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि जब आप पानी पिए दूसरों को पिलाएं, जब आपको प्यास लग रही है दूसरों को पिलाएं। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो सामने वाला भी सेम वैसे ही करेगा कि जब वो पानी पिएगा वो आपको पिलाएगा या दूसरों को पिलाएगा। तो सिंपल सा घर में जैसे कि मैंने बता दिया आपको, जब आपको प्यास लग रही है आप सबको पानी पिए, जब कोई और पानी पिएगा वो सबको पानी पिलाएगा। करके देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको डिहाइड्रेशन या पानी की कभी दिक्कत नहीं आएगी, और इससे ना आप बाहर निकल के भी जैसे मैंने बताया कि आप बॉटल्स एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिए, एक्स्ट्रा कैरी करिए कि आप किसी ज़रूरतमंद को पानी दे सकते हैं। जानवरों को तो हम देते ही देते हैं, ये तो अब बहुत जनों ने नियम बना लिया है, ये नॉलेज तो मोस्टली सब में आ गई है कि बर्ड्स को सुबह जाके पानी देना है। बर्ड्स को तो हम पानी दे आते हैं, पर नीचे हम डॉग्स को पानी अभी भी नहीं देते। बहुत जनों को मैंने देखा कि डॉग्स को पानी अभी भी नहीं देते हैं। तो सिर्फ बर्ड्स को नहीं प्यास लगती, डॉग्स को भी प्यास लगती है। तो एक ये अवेयरनेस मैं सबको दे रही हूँ, जो घर में भी तो हम डॉग्स को देते ना तो उन्हें ठंडा पानी पिला कर आए, उन्हें नहला दें, इतनी गर्मी हो रही है, किसी दिन हफ्ते दो हफ्ते में जब आपको टाइम मिले उन्हें नहला दें, इतनी गर्मी में अगर आप उन्हें नहलाएंगे ना वो इतने खुश हो जाएंगे ना, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम बाद, वो तो पूरे दिन बाहर रह रहे हैं, ठीक है उन्हें आदत है गर्मी रहने की, उनकी स्किन ऐसी ही है, पर उनको के साथ अगर आप थोड़ी सी भी उनकी हेल्प करेंगे ना करेंगे, वो इतने इतने खुश होते हैं ना। कभी ना अगर मैं दिखाऊंगी, जैसे मेरा बेटा कभी कभी डॉग्स को नहला कर आता है बाहर, वो पाइप लगा लेता है और सारे डॉग्स को नहला देता है। तो कभी अगर मुझे टाइम लगा या कभी मुझे टाइम लगा या उसने मुझे वीडियो बनाने दी तो मैं आपसे ना वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि डॉग्स को ठंडा पानी पिला कर आओ ना वो कितने खुश होते हैं, उन्हें नहलाओ तो वो कितने ही खुश होते हैं। तो ये हैबिट ट्राई करके देखिए आपको कैसी लगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई करी है ये हैबिट या नहीं करी है। पर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सिंपल सी बात मैं आप सबसे कह रही हूँ कि एक बार ना ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिए अपने घर में। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो, होप सो यू लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।